Hi everyone, welcome back to Mamiya Vlogs. Hope you all are doing well. So guys, आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए DIY वीडियो जो कि आई थिंक सबके लिए यूजफुल है. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 DIY मेथड्स बोल कवर्स बनाने के. हमारे घर में अक्सर ऐसे बोल्स होते हैं, डोंगे होते हैं, जिनके ऊपर कवर्स नहीं होते हैं, लिड्स नहीं होती हैं. और जब भी हम कुछ रखते हैं तो यार हर चीज़ को रखना जो है ना, ढक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ढक के रखने के लिए अगर आप इस तरीके के जैसे बॉल कवर्स आज हम बना रहे हैं, अगर आप बनाते हैं तो एक तो सबसे पहली बात बहुत आसानी से क्रिएट हो जाते हैं. दूसरी चीज़, घर में कितने जो फैब्रिक्स आपके छोटे मोटे घर में पड़े हुए हैं ना, आप उनसे ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. उनको जब आप रखते हैं दिखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 में मैंने लिया है अपने पास इस तरीके से एक फैब्रिक जिसको मैं उल्टा कर रही हूँ, और उल्टा करने के बाद मेरे पास जो भी बोल है जिसके साइज का मैं बनाना चाहती हूँ उसको मैं ऐसे उल्टा रख रही हूँ. और अब मुझे करनी है इसके चारों तरफ मार्किंग. मार्किंग हो चुकी है, अब हमने इस मार्किंग के बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है जो कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2 इंच का. यानी कि इस पूरे सर्कल के चारों तरफ आपको 2-2 इंच की दूरी पर मार्क करते जाना है चारों तरफ सर्कल के. तो एक आपके पास 2 लाइंस रेडी हो जाएंगी. ये 2 लाइंस हमारे पास रेडी हो चुकी हैं. अब हमने इसको कट करना है. जो हमारी आउटर लाइनिंग है, जो आउटर हमने मार्किंग की है, उस आउटर मार्किंग से अब हमें कट करना है. अब यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट कलर का ये व्हाइट कलर का फैब्रिक ले रही हूँ. इसका स्क्वायर पीस मुझे लेना है और इसमें से तिरछी पट्टियाँ मुझे काटनी है, उरे पट्टी जिसे हम कहते हैं, पाइपिंग जो हम लगाते हैं उसके लिए. और ये मेरा सर्कुलर पीस है जिसके चारों तरफ मैंने इसे फ्रंट उसका फेसिंग रखा है, फ्रंट फेसिंग है, और उसके ऊपर मैं ये उरे पट्टी जो है इसको मैं लगाऊंगी. एक बार मैं लगाने के लिए पहले पिनिंग कर रही हूँ. चारों तरफ पिनिंग कर लेने से क्या होता है कि हिलता नहीं है फैब्रिक, जब आप सिलाई करते हैं तो बहुत ईजिली आपकी सिलाई हो जाती है. सारी पिनिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर रही हूँ. अब यहाँ पर मुझे चारों तरफ इसके जो है सिलाई करनी है, और साथ ही मैं इलास्टिक भी कट कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर इलास्टिक डालना है. तो जो भी बोल हमने लिया है उसके साथ मेजर कर लेना और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है क्योंकि इलास्टिक खिंचता है. यहाँ पर मैंने 1/4 इंच का इलास्टिक लिया है, जो पतले वाले साइज का होता है वो मैंने यूज किया है. अब इसकी कर रहे हैं हम सिलाई. ये सिलाई होने के बाद हम इसे उल्टी साइड पे फोल्ड कर लेंगे, और एक बार देख लीजिए आपके किस तरीके से हमें कितना ब्रॉड छोड़ना है ताकि हम इलास्टिक डाल सकें. क्यों, और अब मैं इसकी एक बार सिलाई कर रही हूँ. ये सिलाई पूरी तरह से हो चुकी है यहाँ पर, और अब मैं इसके अंदर जो हमने व्हाइट पाइपिंग लगाई है थोड़ी ब्रॉड सी, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे. इलास्टिक पूरा डालने के बाद उसके ये जो कॉर्नर्स है इनकी आपने यहाँ पर आपको एक हेम करनी पड़ेगी. इधर सिलाई लगा देंगे. ये हमारा सिलाई लगाने के बाद पूरी तरह से कवर रेडी हो चुका है. मैं एक बार बोल पे डालकर आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये बोल कवर, आप देख सकते हैं. और पड़ा हुआ भी सुंदर लगेगा और आपको खुद को भी खुशी होगी कि आपने कितना क्रिएटिव कुछ बनाया है. तो चलिए अब शेयर करती हूँ मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 के लिए मैंने अगेन एक फैब्रिक लिया है जो भी आपके पास पड़ा हो. अब उस फैब्रिक के अंदर सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट अपने मेथड में किया था उल्टा करके, मैं उसके ऊपर बोल रख रही हूँ और मार्किंग कर लूंगी एक बार. और पिछले मेथड की तरह इस मेथड में भी 2-2 इंच और बाहर की तरफ लेते हुए एक और बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, एक और सर्कुलर लाइन. अब आउटर सर्कुलर लाइन से मैं इसको कट कर रही हूँ. यहाँ मुझे मिल जाता है एक सर्कल जिसको मेरे को साइड पे इसके चारों तरफ मेरे को एक जिगजैग वाली सिलाई करनी है, जो हेमिंग है जिगजैग वाली करनी है. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है, तो मैं वही जिगजैग वाली सिलाई कर रही हूँ. लेकिन अगर आपके पास नहीं है इस तरीके की मशीन तो आप एक सिंपल सा हल्की सी हेम कर सकते हो उस कपड़े को मोड़कर, जो नॉर्मल हम मोड़ते हैं कपड़े को. अब ये चारों तरफ हेमिंग हो चुकी है,
अब मैंने क्या करना है कि इसके बैक साइड पे जो उल्टी साइड है वहां पर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बाउंड्री से छोड़ते हुए इलास्टिक, जो क्वार्टर इंच का, जो क्वार्टर इंच वाला इलास्टिक मैंने लिया है, उसको मैंने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए खींच कर लगाना है चारों तरफ। ये देखिए बनके रेडी हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा इजीली क्रिएट हो गया है। थर्ड मेथड में मैंने अगेन एक फैब्रिक का पीस ले लिया है। यहाँ मुझे 2 सर्कल्स चाहिए, तो मैंने अपना बोल्ड रखा, मार्किंग की पिछले दोनों मेथड्स की तरह, और इसके साइड पर मुझे एक जो आउटर बाउंड्री बनानी है वो इस बार मैं 2.5 इंचेस पे बना रही हूँ। और अगेन आउटर बाउंड्री को मैं कट कर रही हूँ, और इसे कट करने के बाद मुझे, जैसे मैंने बताया कि हमें 2 पीसेस चाहिए, ये बाउंड्री कट हो चुकी है, अगेन फैब्रिक के ऊपर इसी सर्कल को हम रख लेंगे और एक और पीस अपना निकाल लेंगे कट करके। तो यहां मेरे पास 2 पीसेस मुझे मिल गए हैं, मैं इनको एक के ऊपर एक रख रही हूँ। दोनों की जो उल्टी साइड है वो दोनों की ऊपर है, मतलब दोनों तरफ से उल्टी साइड ऊपर है, और चारों तरफ मुझे सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले, ताकि कपड़ा हिले ना, मैं पिनिंग कर लेती हूँ एक बार। और पिनिंग करने के बाद आपने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है, लेकिन कुछ एक एरिया जो है ना वो छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, एक थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है, ताकि सिलाई लगाने के बाद हम इसे इसी एरिया में से निकालते हुए सीधा कर सके, और सीधा करने के बाद आपने उसे आयरन कर लेना है, ताकि जो सिलाई है हमारी वो बैठ जाए। तो ये सिलाई करने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये जो है, मैंने आउटर जो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था ना, उसके भी फैब्रिक को, खुले हुए हिस्से को अंदर की तरफ मोड़ लिया है, आयरन कर लिया है, और अब चारों तरफ इसके मेरे को एक सिलाई देके फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर भी अब मेरे को एक साइड पर 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए, और मैं सेम पिछले मेथड की तरह इलास्टिक लगा रही हूँ 1 सेंटीमीटर। लास्ट मेथड में हमने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा था, इसमें मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर छोड़ रही हूँ। तो ये मेथड को आप तभी बनाइए जब आपके पास फैब्रिक पतला हो। ये देखिए बन के रेडी हो गया है, और बोल पे मैंने लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हैं आज के हमारे बनाए हुए 3 DIY मेथड्स आपके सामने है, कितने कलरफुल लग रहे हैं और पड़े हुए भी सुंदर लगते हैं। तो किस किस को ये मेथड्स पसंद आए, और कौन कौन बोल कवर्स बनाने वाला है, और जल्दी से निकाल लीजिए अपने घर में बचे हुए इसी तरीके के फैब्रिक पीसेस को, और बना डालिए इतने प्यारे खूबसूरत से DIY बोल कवर। तो चलिए, पसंद आ गई हो आज की वीडियो तो लाइक का बटन आपके लिए बना है, और इसी तरीके की और DIY मेथड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे कोई वीडियो अपलोड हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।